हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो यहाँ पे आज सिमिलरिटी का क्वेश्चन नंबर 36 से इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज क्वेश्चन नंबर 41 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। 41 तक दे ही रखा है, तो चलिए आज इस वीडियो में आपका चैप्टर सिमिलरिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए क्या दे रखा है, तो एक्चुअल एरिया ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का एक्चुअल एरिया दे रखा है कितना है, 446,250। ठीक है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है ऑन ए मैप। और उसी कंट्री का जब मैप में देखते हैं तो वहां पे एरिया कितना है, तो 714 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्चुअल एरिया है और ये मैप में 714 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री 24 सेंटीमीटर ऑन द मैप, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एक्चुअल कोस्ट लाइन। ठीक है, मतलब कि मैप में जो लंबाई है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में लैंड पे, जमीन पे लंबाई कितना होगा, तो वो निकालना है। चलिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं कि एरिया का रेशियो जब हम लोग लेते हैं तो उधर से साइड का रेशियो लेके होल स्क्वायर कर देते हैं। अभी तक वही करते हुए आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। एरिया का रेशियो लेंगे, वो बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई का रेशियो ले लेंगे दोनों का, मैप का और जो एक्चुअल में कंट्री का लंबाई है। ठीक है, उनका रेशियो लेके होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले दोनों का यूनिट को बराबर करना होगा। एरिया कंट्री का देखे तो कितना दे रखा है, एरिया ऑफ कंट्री ये कितना दे रखा है, तो ये आपका दे रखा है 446,250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मैप में जो एरिया दे रखा है ये कितना है, 714 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों का यूनिट को बराबर करना होगा। आप जिसमें करना चाहो, या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओ, या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में लेके जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और थोड़ा आंसर वगैरह का भी हेल्प लेते हैं। अगर आंसर किलोमीटर में दे रखा है तो उसके किलोमीटर में ही चेंज कर देते हैं, या फिर सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में ही चेंज कर देते हैं, या फिर आप पहले जो कर ले बाद में भी आंसर के अनुसार चेंज कर सकते हैं। समझे कि नहीं। चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या करते हैं इसको किलोमीटर में रहने देते हैं। ठीक है, किलोमीटर में ही रहने देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो मैप पे एरिया कितना दे रखा है, मैप एरिया ये कितना दे रखा है, देखिए 714 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 714 सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रहने दिए, अंदर में 1 सेंटीमीटर आया। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, 714 और 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा एक बार, और फिर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, 714 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक देखे 1, 2, 3, 4, क्योंकि स्क्वायर है, मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100, एक देखे 4 जीरो देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया है, मीटर का स्क्वायर। अब मीटर को किलोमीटर में लेके जाना होगा। देखिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1,000 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर इतना किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रख दिए, अंदर में क्या हो गया, 1 मीटर है, इसके जगह में क्या लिखेंगे, 1/1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 714, देखो ये कितना है, 10 की पर पावर इसको 4 बोलते हैं। ठीक है, एक देखिए कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, तो इसको लिखते क्या है, 10 की पर पावर 4 गुना। यहाँ पे देखो फिर से क्या हो जाएगा, 1/1000 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 714/10 की पर पावर 4 गुना, यहाँ पे देखो अंदर में 1 बाय कितना है, 1000 है, 1/1000, तो 1/1000 गुना क्या करना होगा, 1000 करना होगा, और ये क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, गुना क्यों किए, क्योंकि देखो यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा था, 1/1000 पे होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 714/10^4 गुना 1/, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 10^4 कितना 0 होगा, तो 10^4 जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 0 है ना, 10^6 0, और ये किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर नीचे में देखेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, तो 714/10^4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे पावर में कितना है, 4 है, तो 6 4 10, 10^10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा इसको मिटा के ऊपर में लिखते हैं, बहुत आगे नीचे चला गया है, जगह भी ले लिया है तो जगह का थोड़ा कमी है, चलिए इसको हम मिटा के थोड़ा ऊपर में ही लिखते हैं। कैसे करके आया तो वो आपने देख ही लिया, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यही निकालने में थोड़ा झंझट था इसमें, बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अब ज्यादा नहीं होना है, समझे कि नहीं, थोड़ा इसी में झंझट था। कैलकुलेशन तो आपको पहले भी बताए थे कि कैलकुलेशन होगा, कितना है 714/10^10। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे, ये कितना आ गया 714/10^10, और ये क्या चला गया, किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए दोनों किलोमीटर स्क्वायर में हो गया ना, ये भी और ये भी हो गया। चलिए आगे देखो, लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, ऑन द मैप, मैप पे जो लंबाई है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए लेंथ ऑन मैप कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। देखो तो हर एक जगह किलोमीटर स्क्वायर लिए हुए हैं, किलोमीटर लिए हुए हैं, इनको भी चेंज करना होगा ना, किलोमीटर में लेके जाना होगा, तो 24 गुना, सबसे तो पहले इनको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे 24 गुना 1/100, और मीटर को जब किलोमीटर में लेके जाएंगे तो 1/1000 चला गया किस में, अब ये किलोमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 24 बाय, नीचे में देखो 10^5 कितना 0, 1 2 3 4 5, 10^5 5 0। ठीक है, तो 10^5 हो गया, और ये हो गया क्या, किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब हटा के हम एक ही बार लिखते हैं थोड़ा, चलिए ये कितना आ गया आपका, तो 24 सेंटीमीटर आपका आ गया, 24/10^5 किलोमीटर। चलिए अब जो निकालना है वो अब आराम से निकलेगा, देखिए क्या करेंगे, तो इधर लिखेंगे एरिया ऑफ कंट्री, एरिया ऑफ कंट्री बाय एरिया ऑन मैप, मैप ठीक है, बराबर हम लोग पढ़े हैं ना कि एरिया का जब भी रेशियो लेते हैं तो लंबाई का रेशियो लेके होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर से लेंथ ऑफ कंट्री कर दो, लेंथ ऑफ कंट्री जो कि निकालना है, बाय यहाँ पे लेंथ ऑन मैप, इनका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखो एरिया ऑफ कंट्री कितना दे रखा है, एरिया ऑफ कंट्री दे रखा है 446250, उसको वहां पे लिख देंगे 446250 बाय एरिया ऑन मैप, देखो कितना निकाल लिए हैं, तो 714/10^10 निकाल लिए, यूनिट सबका सेम कर दिए तो लिखना कोई दिक्कत, यूनिट को लिखना जरूरी नहीं है, तो 714/10^10, ठीक है, 10^10 बराबर। लेंथ ऑफ कंट्री निकालना है, सिंपली इसको हम क्या लिख देते हैं, लेंथ लिख देते हैं, बाय लेंथ ऑन मैप देखो निकाल लिए कितना, 24/10^5, ये क्या हो जाएगा, 24/10^5, ठीक है, इनका होल स्क्वायर। चलिए आगे क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा काम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 446250 गुना, ये जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 10^10 बाय, नीचे में कितना हो जाएगा, 714 बराबर। इधर देखिए लेंथ ठीक है, बाय 24, और ये जो 10^5 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 10^5 हो गया,
इनका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 24 गुना 24 कितना होता है, 714 से ये 446250 ये पूरा कट जाएगा, तो ये कितना बार में पूरा कट जाता है, हम डायरेक्ट इसको कटा के लिख देते हैं, समझे कि नहीं। ये पूरा देखें 714 से ये पूरा कट जाता है आपका 625 बार में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कटा लेना आराम से। तो 625 गुना कितना हो जाएगा, 10 की पर पावर 10 बराबर, इधर से देखिएगा लेंथ है ना, तो लेंथ का मतलब एल है, शॉर्ट में लिखते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि सब पे होल स्क्वायर है, गुना 10 की पर पावर 5 है ना, देखो 5 और पावर में कितना है, 2 है। ठीक है, तो जो भी पावर में रहे ना उसके साथ गुना हो जाता है, तो 5 दुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, बाय नीचे में देखो 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। देखो यहाँ भी 10 की पर पावर 10, यहाँ भी 10 की पर पावर 10, ये कट गया। ठीक है, आगे देखिए 625 गुना क्या हो गया, 576 बराबर एल स्क्वायर, यहाँ से एल कितना हो जाएगा, तो अंदर रूट 625 गुना 576। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 25 का है और 576 किनका है, तो इनका 24 हो जाएगा, 25 गुना 24, और 25 गुना 24 आप चाहे तो कर सकते हैं आराम से। अब ये छोटा है तो 5 चौके 20 4 दुना 8 2 10, 2 पंचे 10 2 दुना 4 1 5, ये कितना हो जाएगा, 0 0 5 1 6, तो कितना आ गया 600। सारा यूनिट किस में लिए हुए थे, तो सारा चीज किलोमीटर में लिए थे, तो यहाँ जो निकलेगा ये भी किस में निकल जाएगा, किलोमीटर में निकल जाएगा, तो कितना आ गया 600 किलोमीटर, समझे कि नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन था और ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हैवी कैलकुलेशन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए 35 नंबर क्या दे रखा है, ए मॉडल ऑफ शिप इज मेड टू ए स्केल ऑफ 1:2000। ठीक है, चलिए यहाँ पे लंबाई का रेशियो दे रखा है, किसका किसका, तो एक मॉडल ऑफ शिप और जो एक्चुअल में जो शिप का लंबाई है, समझिएगा। ठीक है, मॉडल वर्सेस शिप का दे रखा है, क्या रेशियो है, तो 1:200 रेशियो दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन ही हम कर रहे हैं। ठीक है, बोल रखा है कि लेंथ ऑफ मॉडल कितना है, 4 मीटर है, तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप, एक नंबर को देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, मॉडल का लंबाई कितना दे रखा है, 4 मीटर है, तो मॉडल लेंथ कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, देखिए मॉडल कितना यूनिट में है, तो मॉडल 1 में, और शिप कितना में, तो 200 में है। ठीक है, इसका मतलब 1 किसके बराबर है, 1 4 मीटर के बराबर है, आपको निकालना क्या है, तो लेंथ ऑफ द शिप निकालना है, यहां से लेंथ ऑफ द शिप निकालेंगे, अगर लेंथ ऑफ द शिप बराबर लेंथ ऑफ द शिप, देखो शिप कितना में, तो 200 में। ठीक है ना, मॉडल अगर 1 में है तो शिप कितना में, 200 में, तो 1 4 के बराबर आ गया, तो 200 किसके बराबर हो जाएगा, 200 गुना 4 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दुना 800, यह क्या हो गया, 800 मीटर। ये आपका फर्स्ट नंबर निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड में, थोड़ा हम इनको मिटा लेते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर, 2 नंबर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ डेक ऑफ द शिप, शिप का एरिया दे रखा है कितना, 1,60,000, और एरिया ऑफ द मॉडल, मॉडल का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एरिया का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ मॉडल, एरिया ऑफ मॉडल बाय एरिया ऑफ शिप, ठीक है, बराबर, ये एरिया किसके बराबर हो जाता है, तो जो भी साइड का रेशियो दे रखा होता है उनका होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे देखो 1:1:200 जो दे रखा है, ये क्या है, साइड का रेशियो ही तो है, 1 मॉडल के लिए और 200 नीचे में शिप के लिए, शिप का जो लंबाई है। ठीक है ना, तो ये साइड का ही रेशियो दे रखा है, 1:200, इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए एरिया ऑफ मॉडल निकालना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ मॉडल ही हो जाएगा। ठीक है, बाय एरिया ऑफ शिप कितना दे रखा है, तो 1,60,000
1,60,000 दे रखा है। देखिए एरिया ऑफ सी है ना, 1,60,000 यहाँ पे रख दिए, ठीक है। बराबर यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर, मतलब 2 2 4 देगा कितना, 0, 1 2 3 4, 4 0। देखिए इधर भी 4 0 था और इधर भी 4 0, ये पूरा खत्म हो गया। 4 से ये फिर 4 बार में खत्म हो जाएगा ना। एरिया ऑफ मॉडल यहाँ से कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ मॉडल कितना आ गया, तो 4, क्योंकि यहाँ पे एरिया किसमें दिया हुआ था, देखो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, यहाँ भी ये किसमें आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मॉडल कितना आ गया, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको भी मिटाते हैं और अब 3 नंबर में चलते हैं। तीन नंबर में क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, मॉडल का वॉल्यूम दे रखा है और शिप का वॉल्यूम निकालना है, तो मीटर क्यूब में, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल बाय, नीचे में वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ शिप लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का जब भी रेशियो लेते हैं तो जो भी साइड का रेशियो दे रखा होता है उनका होल क्यूब कर देते हैं। साइड का रेशियो कितना है, 1/200 है, 1/200 के क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। एरिया के लिए स्क्वायर करते हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल दे रखा है 200 200 लीटर दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लीटर ही रहने देते हैं, बाद में उसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए 200, लेकिन ये लीटर में याद रखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 1/200 का होल क्यूब, मतलब 200 गुना 200 गुना 200 3 बार करना होगा, समझे कि नहीं, 200 गुना 200 3 बार, 200 गुना 200 गुना 200, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहां भी 200 है, बाय वॉल्यूम ऑफ शिप, बराबर यहां से देखें 2 2 4 2 8 हो गया, गुना इतना 0 है, 2 2 4 2 6 0 है, मतलब 10 की पर पावर 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो निकालना है हमें क्या हो जाएगा, फिर वो वॉल्यूम लिख देते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सीप ही निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और ये गुना हो जाएगा, ठीक है, और ये गुना हो जाता है, तो वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, 200 गुना, देखिए 200 गुना 8 गुना 10 की पर पावर 6, 200 गुना 8 गुना 10 की पर पावर 6, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, मतलब 16, 100 गुना कितना हो गया, 10 की पर पावर 6, 16 गुना 10 की पर पावर, यहाँ पे भी 2 0 है ना, तो यहाँ पे 6 था, तो इसमें कितना कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे, 8 हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ शिप निकल गया। लेकिन ये किस में निकला, तो ये आपका लीटर में निकला, क्योंकि ऊपर में जो वॉल्यूम दे रखा था मॉडल का, वो किस में दे रखा था, तो लीटर में दे रखा था, ठीक है ना। लेकिन निकालना किस में, क्वेश्चन में बोल रखा है कि मीटर क्यूब में निकालना है, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। बताइए 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, समझे कि नहीं, अन्यथा आप इसको नहीं बना सकते हैं। देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर मतलब क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर इतना मीटर क्यूब। चलिए यहाँ पे जो आया है कितना आ गया है, 16 गुना 10 की पर पावर 8 लीटर आ गया है, तो 1 लीटर की जगह में कितना रख देंगे, 1/1000, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तब मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा, इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा यहाँ पे मीटर क्यूब होगा, ठीक है, तो अब आराम से बन जाएगा, समझे कि नहीं। देखिए नीचे में कितना आ गया, तो नीचे में 3 0 आ गया ना, और ऊपर में कितना था, तो 8 0 था,
ठीक है, तो 3 0 3 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर में, 10 की पर पावर 5 बच जाएगा। और ये किस में हो गया, तो मीटर क्यूब में हो गया। ठीक है, अगर 5 0 को लिख देंगे तो कोई समस्या, लिख ही देते हैं 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 1 देके 60, और फिर 1 2 3, सही करें ना। नहीं, एक और जीरो होगा, 4 ही 0 हुआ है ना, 16 हो जाएगा यहाँ पे, 16, 1 2 3 4 5, 16 लाख मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल गया, इसका वॉल्यूम ऑफ द शिप, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है सिर्फ, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो कैलकुलेशन वगैरह अगर करना आ रहा है आपको, तो ये सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 38 नंबर में चलते हैं। मॉडल ऑफ ए बिल्डिंग दे रखा है विथ स्केल फैक्टर 1/30। ठीक है, चलिए मॉडल, एक तो बिल्डिंग एक्चुअल में बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग का एक मॉडल बनाया। ठीक है, उनके बीच में जो स्केल फैक्टर है वो कितना है, 1/30 है। स्केल फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, और ये कितना है, तो 1/30 है। स्केल फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी बिल्डिंग का लंबाई है ना, और जो भी मॉडल का लंबाई है, उन्हीं के बीच का रेशियो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो लेंथ ऑफ मॉडल बाय लेंथ ऑफ बिल्डिंग, लेंथ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, यही कितना दे रखा है, 1/30 दे रखा है। चलिए 1 नंबर को बनाते हैं। इफ हाइट ऑफ द मॉडल कितना है, 80 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर्स। देखिए क्या बोल रखा है कि हाइट ऑफ द मॉडल कितना है, 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए हाइट, लेंथ जो लिए हुए वो कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, और बिल्डिंग कितना यूनिट में, तो 30 यूनिट में, मतलब कि 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 यूनिट आपका बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर का। ठीक है, निकालना किसका है, तो एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। तो बिल्डिंग कितना यूनिट में, 30 यूनिट में, तो यहां से एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग बराबर, बिल्डिंग कितना यूनिट में, 30 यूनिट में, मतलब 30 गुना क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3800 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर लेकिन आपका मीटर में दिया हुआ है, तो 2400 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज अगर करना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ये मीटर में बदल जाता है, 0 0 खत्म हो गया, ये कितना बच जाएगा, 24 मीटर। समझे कि नहीं, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो इनको हम मिटा रहे हैं। जिनको लिखना हो वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना बाबू तुम लोग। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग कितना है, 27 मीटर क्यूब है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑन द टॉप ऑफ मॉडल। अच्छा, बिल्डिंग है ही, ठीक है ना, अब बिल्डिंग के ऊपर में एक टैंक लगा हुआ है, उस टैंक का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 27 मीटर क्यूब दे रखा है। तो पूछ रहा है ना कि जो मॉडल पे टैंक होगा उनका वॉल्यूम कितना होगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं, तो उधर से जो भी साइड का रेशियो दे रखा होता है उनका होल क्यूब करते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑन मॉडल बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑन बिल्डिंग बराबर। इधर से स्केल फैक्टर कितना दे रखा है, 1/30 दे रखा है, 1/30 लेके क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, चलिए ये वॉल्यूम हमें निकालना है, तो इसको वॉल्यूम सिंपली लिख दिए, या फिर रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो बिल्डिंग पे वो 27 दे रखा है, यहाँ पे क्या रख देंगे, 27 बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो 30 का क्यूब, मतलब 30 गुना 30 गुना 30। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम बाय
27 बराबर, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 गुना 1 2 3 0, ठीक है, ये 27 खत्म हो गया। तो ये आपका किस में था, वॉल्यूम यहाँ पे किस में दे रखा था, मीटर क्यूब में दे रखा था, समझे कि नहीं। तो ये आपका किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया, मतलब जो वॉल्यूम निकालना था आपको, रिक्वायर्ड वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑन द मॉडल जो निकालना था, वो कितना आ गया, 1/1000 मीटर क्यूब आ गया। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे, वैसे आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, समझे कि नहीं। तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, हम लीटर में चेंज करने का सोच रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में ही चेंज कर लेंगे। चलिए चेंज कर लेते हैं, चलिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, मीटर के जगह में 100 सेंटीमीटर रख दिए, और इन पे क्या कर देंगे, होल क्यूब कर दिए। ये देखिए कितना आ जाएगा, 1/1000 गुना, तो आपको 3 बार गुना करना है, 1 2 3, और इधर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर क्यूब, देखिए 3 0, तो यहाँ से 2 0 गया, ये भी 1 0 गया, क्या बच गया, तो 1 देके 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 3 0 बच गया ना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है, थोड़ा कैलकुलेशन था और ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में भी। चलिए 39 नंबर, क्या है बाबू 39 नंबर, तो स्केल ऑफ मैप इज 1/2 लाख, है ना, ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया कितना 20 किलोमीटर स्क्वायर है, इज टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप, फाइंड क्या निकालना है, द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अच्छा किलोमीटर ग्राउंड पे निकालना, अच्छा देखो एक लैंड है, एक जमीन है, समझे कि नहीं, और उसी जमीन को मैप पे भी दिखा रहा है, तो उसी जमीन को जब मैप पे दिखा रहा है, तो मैप वर्सेस जो जमीन है उनका रेशियो कितना है, तो 1/2 लाख है, ठीक है, और इसी को स्केल फैक्टर बोलते हैं, ये कितना आ गया, 1/2 लाख। आपको यह भी बताया है कि यही 1/2 लाख क्या होता है, तो लेंथ ऑन मैप बाय लेंथ ऑन लैंड, क्या बताएं कि यह क्या होता है, लेंथ ऑन मैप बाय लेंथ ऑन लैंड, ठीक है। चलिए ए नंबर को देखते हैं, और क्या दे रखा है, तो ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 20 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। अच्छा यहाँ पे लैंड का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ लैंड कितना है, एरिया ऑफ लैंड आपका दे रखा है 20 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए पहला नंबर को बनाते हैं, तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अच्छा अगर 1 सेंटीमीटर कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राउंड में वो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा वो बताना है, समझे कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो स्केल फैक्टर दे रखा है के, वो कितना है, 1/2 लाख दे रखा है, ठीक है, वो जो 1 डिनोट कर रहा है यही 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन मैप, ठीक है, लेंथ ऑन मैप हो गया। तो नीचे में जो 2 लाख बच गया, यही 2 लाख क्या हो जाएगा, तो यही 2 लाख आपका हो जाएगा लेंथ लेंथ ऑन ग्राउंड, ठीक है, और आपको यही निकालना था, ठीक है, लेकिन आंसर में किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, पलटा देते हैं थोड़ा, लेंथ ऑन ग्राउंड ये कितना आ गया आपका, तो 2 लाख आ गया, लेकिन यहाँ पे जो किस में लिए हुए हैं, सेंटीमीटर में देखो लिए हुए हैं, तो ये भी किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो इसको किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर में चेंज करना होगा, तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 1/100 मीटर होगा, और फिर उसी मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 1/1000 से डिवाइड करना होगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में, ठीक है। देखिए
3 0, 3 2 5 0, यहाँ पे 3 2 5 0 और यहाँ पे 3 2 5 0, क्या बच गया ये? तो ये आपका 2 किलोमीटर गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, दो नंबर, दो नंबर भी आसान ही है, समझे कि नहीं? अभी एक नंबर में जो हम लोग बनाए थे, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे के दे रखा है, के क्या दे रखा है? के दे रखा है आपका 1/2 लाख, ठीक है, मतलब कि सेंटीमीटर में अगर लेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? तो 2 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यही 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आया था, इसको जब किलोमीटर में चेंज कर रहे थे तो ये 2 किलोमीटर आ गया था, मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैप पे और 2 किलोमीटर लैंड पे हो रहा था, ठीक है, जो एक नंबर में अभी हम लोग जस्ट निकाले थे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, तो एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर में निकालना है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑन मैप कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑन मैप, देखिए एरिया ऑन मैप कितना होना चाहिए, बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 गुना 1 हो गया, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग में अगर क्या निकालेंगे, एरिया ऑन लैंड निकालेंगे, तो देखो उसके कोरोस्पॉन्डिंग में अगर देखें तो लंबाई कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर दे रखा है ना, क्या करना होगा, 2 किलोमीटर का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 नंबर भी आसान ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए 3 नंबर में अब चलते हैं। चलिए 3 नंबर, 3 नंबर में क्या निकालना है, एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ लैंड। अच्छा, जो भी लैंड का प्लॉट का एरिया है, ठीक है, तो एक्चुअल में जितना एरिया है लैंड का, और उसी एरिया को जब हम लोग मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितना एरिया होगा वो निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो एरिया का रेशियो ले लेंगे, तो वहां से आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? एरिया का क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, देखिए एरिया का क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। चलिए, यहाँ पे लैंड का एरिया कितना दे रखा है, तो 20 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है, और यही 20 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आपका मैप पे कितना एरिया होगा वो बताना है, समझे कि नहीं? चलिए देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एरिया ऑन मैप लिखेंगे या एरिया ऑफ मैप बाय एरिया ऑफ लैंड बराबर, जो भी स्केल फैक्टर दे रखा है कितना दे रखा है, 1/2 किलोमीटर, ठीक है, और इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए, एरिया ऑफ मैप निकालना है या फिर एरिया ऑन मैप, मतलब मैप पे कितना एरिया होगा वो भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ लैंड कितना दे रखा है, तो आपका ये 20 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये आपका कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। चलिए, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, और एक चीज़ यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि दोनों का सेम यूनिट रहेगा ना तो कट जाएगा ना, तो यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, यूनिट नहीं लिखते हैं बाबू। चलिए, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, 4 से 1 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो एरिया ऑन मैप कितना आ गया, यहाँ से एरिया ऑन मैप 5 किलोमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर स्क्वायर। तो यही आपका 3 नंबर में निकालना था, समझे कि नहीं? चलिए चलिए देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन ए मैप ड्रॉन टू ए स्केल, स्केल कितना दे रखा है, तो के से डिनोट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 1/2,50,000, ठीक है। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, प्लॉट ऑफ लैंड है द फॉलोइंग मेजरमेंट, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और ये बोल रखा है कि 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो हम लोग देख रहे हैं ये मैप पे दे रखा है, बी सी 4 सेंटीमीटर ये भी मैप पे दे रखा है, मतलब ये वाला ट्रायंगल का जो मेजरमेंट दे रखा है ये कहाँ पे दे रखा है,
ये मैप पे दे रखा है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इन किलोमीटर, तो ए बी का लंबाई एक्चुअल में जमीन पे कितना होगा वो बताना है, ठीक है। मैप पे ए बी का लंबाई कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे स्केल फैक्टर कितना है, तो 1/2 लाख है। मतलब ये 1 मैप पे दे रखा है और 2.5 लाख किस पे दे रखा है, तो ये लैंड पे दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो कितना का निकालना है, तो 2.5 लाख का निकालना है। तो 2.5 लाख सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो 2.5 लाख 1 3 के बराबर है। तो 2.5 लाख किसके बराबर हो जाए, 2.5 लाख गुना 3 कर देंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया। तो 25 दिया 75, और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि जमीन पे जो लंबाई है ए बी का वो किलोमीटर में चाहिए। इसको क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करना होगा। चलिए किलोमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। अब जाके यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर देखो 3 2 5 0 ना, यहाँ पे कितना जीरो है, 4 0 ही है। तो 3 0 3 0 खत्म हो गया, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से खत्म हो गया। कितना आ गया, तो 7.5, सॉरी हाँ 7.5 नहीं, 7.5 ही अभी होगा, बाद में पॉइंट आएगा। 75/10 किलोमीटर, इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे जगह तो है नहीं, चलिए फिर इसको मिटा देते हैं। और इसको लिखना हो वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। देखो 2 नंबर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर। प्लॉट का एरिया निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ मैप निकाल लें, ठीक है, एरिया ऑन मैप, मैप पे अगर एरिया निकाल ले तो कितना हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप में है ना, ये किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से देखो हाफ गुना बेस कितना है, 4, अब गुना हाइट कितना है, 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 2 ना 4, मतलब 3 2 ना 6, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। चलिए ठीक है, अब एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है, तो एरिया का रेशियो ले लेंगे। तो एरिया ऑन मैप बाय एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, बराबर जो भी स्केल फैक्टर दे रखा है उनका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। स्केल फैक्टर यहाँ कितना है, तो 1/2 लाख है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 लाख का होल स्क्वायर। चलिए एरिया ऑन मैप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 6/, ये हमें निकालना है एरिया और प्लॉट, प्लॉट का ही एरिया चाहिए हमें बराबर। यहाँ से 1/, देखो 2.5 लाख का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो 2.5 देके 1 2 3 4 गुना 2.5 देके 1 2 3 4, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर से गुना करेंगे तो एरिया ऑफ प्लॉट गुना 1, मतलब एरिया ऑफ प्लॉट ही हो जाएगा बराबर। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 गुना, देखो 25 गुना 25 कितना होता है, तो 625 होता है, गुना कितना जीरो है, तो यहाँ 4 0 यहाँ 4 0, टोटल 8 0 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पर पावर 8, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लॉट 6 गुना कितना आ गया, 625, अब गुना 10 की पर पावर 8। लेकिन यहाँ पे देखो जो हम लोग एरिया निकाले थे यहाँ पे मैप का, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये भी किस में आया, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया हमें किस में चाहिए, एरिया हमें किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। चलिए देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है,
किलोमीटर स्क्वायर में करना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की जगह में मीटर को चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/100, अब मीटर को फिर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाता है, 1/1000, ये किलोमीटर। अभी पूरे पे होल स्क्वायर है तो रहने देंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना जीरो होगा, तो कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 1/10^5 किलोमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 6 × 625 × 10^8 × 1/, लेकिन देखो इन पे होल स्क्वायर है, 10^5 पे भी होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर क्या होता है, पावर के साथ गुना हो जाएगा। यहाँ पे पावर में कितना है, 5 है ना, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, मतलब 10^10। अब जाके ये किस में चला गया, किलोमीटर स्क्वायर में। बराबर देखो यहाँ 10^8 है, यहाँ पे कितना है, 10^10 है, तो ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा पावर में, 10 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ गया, हम इधर मिटा देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, समझे कि नहीं, और जगह ही कम पड़ जाता है इसीलिए मिटाना पड़ता है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो आप लेके पास रहेगा ही ना, तो उसको आप पीछे करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे एरिया जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ प्लॉट बराबर क्या आ गया, 6 × 625 / नीचे में क्या बचा है, 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100, और यह किस में चला गया, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, देखो कटेगा भी है, 25 से इसको कटाएंगे तो 25 × 25 625 होता है, और 25 से यह 4 बार में, 2 से यह 2 बार में कटेगा, 2 से यह 3 बार में कटेगा, 25 तिया कितना हो जाएगा, 75/2, यह हो गया किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 75/2 का कितना हो जाएगा, तो 75/2 आपका हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, मतलब 37.5 किलोमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे, 37.5 किलोमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी किया था तो कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में भी, और जिस प्रकार से हम कैलकुलेशन किए हैं उसको धीरे धीरे करके आपको समझना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको भी करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, समझे कि नहीं, यहाँ पे स्केल कितना दे रखा है, तो 1/25,000 दे रखा है। आगे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं, रेक्टेंगल का शेप तो ये बना नहीं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए मान लेना है कि यही क्या है, रेक्टेंगुलर है, चलिए इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी, इसको डी, ये कितना दे रखा है, 12, अच्छा ये माइनस नहीं है, ठीक है ये प्लस में ही है, तो 12 सेंटीमीटर है ये कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है। चलिए अपोजिट साइड बराबर होता है ना, तो ये भी कितना होगा, 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और चारों एंगल 90 दे रखा है, ए बी सी डी, ऐसे भी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का चारों एंगल 90 ही होता है, ये ना भी देता तो चल जाता। क्या निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये जो आपका दे रखा है, ये वाला जो रेक्टेंगुलर दे रखा है, ये कहाँ पे, तो ये मैप पे मेजरमेंट दे रखा है। ठीक है, कि मैप पे इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर है और ए बी उतना है, बी सी इतना है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में लैंड में है ना, लैंड में जमीन पे डायगोनल कितना होगा वो निकालना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आप पे मैप कितना डायगोनल होगा वो निकालना होगा, मतलब ये आपको ए सी निकालना होगा। ठीक है ना, देखिए चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए सी निकालेंगे, तो चलेंगे किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम से यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एसी डायगोनल निकाल लेंगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस इधर से बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर हमें निकालना है, एबी कितना है, तो एबी 12 दे रखा है, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है 16 दे रखा है, तो 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर 12 गुना 12 144, 16 गुना 16 कितना होता है 256, ये कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ से एसी कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 400, और यहाँ से एसी आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं, एसी कितना निकाल लिए, तो ये आपका एसी 20 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब लैंड पे, जमीन पे इस एसी के कोरस्पॉन्डिंग में कितना डायगोनल होगा वो निकालना है। चलिए अब चलेंगे पहला नंबर में, अब चलेंगे पहला नंबर में। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, स्केल फैक्टर दे रखा है ना, स्केल फैक्टर कितना है कि आपका कितना दे रखा है, 1/25,000 दे रखा है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना है, तो 20 सेंटीमीटर डायगोनल है, 20 सेंटीमीटर डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ से 25,000 के कोरस्पॉन्डिंग में डायगोनल निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, तो 25,000 गुना कितना कर देंगे, 20 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, तो 25 दुना 50, और यहाँ पे 3 1 4 0, 1 2 3 4, समझे कि नहीं। तो ये आपका किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन आंसर आपका किस में दे रखा है, तो आंसर आपका शायद किलोमीटर में है क्या, किलोमीटर में होगा शायद आंसर, जो कि काफी बड़ा हो गया है। हाँ यहाँ पे देखिए निकला हुआ है, किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में चेंज कर देंगे, समझे कि नहीं। चलिए यहाँ पे 50 देखे, 1 2 3 4, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा, और फिर मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1/1000। अब चला गया ये किलोमीटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो, तो 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो, ये भी 1 जीरो, खत्म। ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यही क्या निकल गया, तो ये निकल गया आपका डायगोनल ऑफ द प्लॉट। क्या निकल गया, यही आपका निकल गया डायगोनल ऑफ द प्लॉट, डायगोनल ऑफ प्लॉट, समझे कि नहीं, कितना निकल गया, 5 किलोमीटर निकल गया। तो ये आपका एक नंबर हो गया। चलिए दूसरे नंबर में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द प्लॉट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया इसका निकालना होगा, जो भी आपका रेक्टेंगुलर शेप का दे रखा है ना, इसका एरिया निकालना होगा, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पहले निकालना होगा, तब आप एरिया ऑफ प्लॉट निकाल पाएंगे। चलिए इधर निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, RECTANGLE। ये क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई कितना दे रखा है, तो देखिए लंबाई 16 और चौड़ाई 20 दे 12 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 16 गुना 12 कर देंगे, 16 गुना 12 कितना होता है, तो 16 गुना 12 आपका हो जाएगा 192। ठीक है, ये किसमें, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए अब दो नंबर में चलते हैं, ये किसका निकला, तो ये मैप का निकला, याद रखिएगा मैप का निकला, हमें निकालना किसका है, तो जमीन का निकालना है, जमीन पे कितना एरिया होगा, तो रेशियो लेंगे, तो एरिया ऑन मैप बाय एरिया ऑन लैंड। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो जो भी स्केल फैक्टर दे रखा है, स्केल फैक्टर कितना है, तो 1/25,000 है, इनका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ ठीक है, स्केल फैक्टर 1/25,000 है। चलिए एरिया ऑन मैप कितना निकाल लिए हैं, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिए हैं, 192 बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑन लैंड बराबर। चलिए यहाँ पे देखिए 25,000 का स्क्वायर करना होगा, मतलब 25,000 को 2 बार गुना करना होगा, समझे कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑन लैंड हो जाएगा, इधर एरिया ऑन लैंड बराबर,
इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 गुना, देखिए यहाँ पे 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 गुना 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, टोटल कितना जीरो, 6 जीरो, मतलब 10 की पर पावर 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया निकाले थे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए लेकिन चाहिए हमें किस में, तो चाहिए हमें देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एरिया प्लॉट निकालना है किस में, किलोमीटर स्क्वायर में, तो किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। और इससे पहले हम लोग देखे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो 1/10 की पर पावर 10 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे 192 गुना 125 गुना 10 की पर पावर 6 गुना, ये कितना हो जाएगा, 1/10 की पर पावर 10, और ये अब किस में चला गया, किलोमीटर स्क्वायर में चला गया। ठीक है, 10 की पर पावर 6 है ना, मतलब 6 को 0 है यहाँ पे, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना जीरो है, 10 जीरो है, तो 6 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब 192 गुना 625, देखिए जो बच गया उसको पहले लिखते हैं फिर कटाएंगे थोड़ा, ये ऊपर में बच गया, नीचे कितना बच गया, 10 की पर पावर 4, मतलब 1 देके 4 जीरो, 2 3 4। ठीक है, ये किस में हो गया आपका, किलोमीटर स्क्वायर में हो गया। चलिए 25 से देखिए, ये पूरे 25 बार में कटेगा, और ये 25 से कितना बार में कटेगा, तो 25 चौके 100, 400 बार में। ठीक है, 25 से एक बार में कटेगा, और ये 25 से कितना बार में कटेगा, तो 16 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 25 गुना 16 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 16 से ये आपका फिर कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो ये 16 और फिर 16 दोनों 32, 12 बार में, कितना आ गया, 12 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या निकल गया, यही आपका एरिया ऑफ प्लॉट जो निकालना था। ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट यहाँ से कितना आ गया, तो 12 किलोमीटर स्क्वायर आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, चलिए आराम आराम से आप लोग वीडियो पॉज वगैरह करके लिख लीजिए, समझ लीजिए, पहले समझना चाहिए फिर लिखना चाहिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 तक कवर हो गया, और एक्सरसाइज पहला जो कि सिमिलरिटी था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर देखेंगे अगला एक्सरसाइज। चलिए फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और अगर सिमिलरिटी में कोई क्वेश्चंस वगैरह में डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो वो क्वेश्चंस को आप कमेंट करके बता सकते हैं, समझे कि नहीं, तो उस क्वेश्चंस को हम अलग से वीडियो बना के डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। चलिए फिर, जो भी डाउट हो रहा होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो बाबू।